और यहाँ अभी आपको अपडेट करें मौसम के हवाले से, मानसून की शदीद बारिशों के ना रुकने वाले सिलसिले के सबब दरियाए सवात भिपर गया। बहरीन के मकाम पर सैलाबी रेला कई इमारतें अपने साथ बहा कर ले गया। दरियाए सवात में ऊंचे दर्जे के सैलाब के नतीजे में बरसाती पानी घरों और कालाम की तारीखी मस्जिद में दाखिल हो गया। लैंडस्लाइडिंग के बाइस सवात मोटरवे को दोबारा बंद कर दिया गया, जबकि मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब बहरीन और मदीन के दरमियान सड़क सैलाबी रेले में बह गई। मदीन बहरीन रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक सवात एक्सप्रेस वे लैंड स्लाइडिंग की वजह से प्लाई के मकाम पर जज्बी तौर पर बंद है। इस्लामाबाद पिशावर से आने वाले ट्रैफिक को प्लाई इंटरचेंज से गुजारा जा रहा है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि सवात से आने वाले ट्रैफिक चकद्रा के मकाम पर बंद कर दिया गया। एक बार फिर आपको अपडेट कर रहे हैं, मानसून की बारिशों के ना रुकने वाले सिलसिले के सबब दरियाए सवात बिपर गया। बहरीन के मकाम पर सैलाबी रेला कई इमारतें अपने साथ बहा कर ले गया। दरियाए सवात में ऊंचे दर्जे के सैलाब के नतीजे में बरसाती पानी घरों और कालाम की तारीखी मस्जिद में दाखिल हो गया। लैंडस्लाइडिंग के बाइस सवात मोटरवे को दोबारा बंद कर दिया गया, जबकि मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब बहरीन और मदीन के दरमियान सड़क सैलाबी रेले में बह गई। मदीन बहरीन रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।